सादड़ी नगर पालिका वार्ड उपचुनाव में भाजपा की मांगी देवी निर्वाचित। कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। सादड़ी नगर पालिका के महिला अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित वार्ड संख्या 10 यानी जाटों की डोरण में उपचुनाव के लिए बुधवार प्रातः हुई मतगणना में भाजपा उम्मीदवार मांगी देवी निर्वाचित घोषित की गई है। इसी के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं ने मांगी देवी का माला पहनाकर स्वागत कर बधाई दी। यहां भाजपा उम्मीदवार मांगी देवी व कांग्रेस की उम्मीदवार पानी देवी आमने सामने थी। यहां कुल 498 मतदाताओं में से 394 मतदाताओं ने अपने मताधिकार उपयोग किया था। रिटर्निंग अधिकारी एवं SDM राजलक्ष्मी गहलोत के अनुसार यहां भाजपा को 258 व कांग्रेस को 128 वोट मिले। 6 वोट नोटों में पड़े। भाजपा उम्मीदवार मांगी देवी को 134 वोटों के अंतर से विजय घोषित किया गया। रक्तदान कर बचाई जान। पाली जिले के सुमेरपुर में भगवान सुनील कुमार ने रक्तदान कर एक वृद्ध की जान बचाई। पाली जिले के सुमेरपुर भगवान महावीर अस्पताल में भर्ती भवन निवासी तेजाराम मीना, इसको खून की कमी थी जिसको बी पॉजिटिव की आवश्यकता थी, जिसको लेकर सूचना पर सादड़ी रक्तदान टीम सुरेश माली गोयल को मिले। उन्होंने सुमेरपुर के राजस्थान विद्युत निगम सुमेरपुर के चैन सुनील कुमार को बुलाकर रक्तदान करवाया। राजस्थान के NCP उपाध्यक्ष का पुणे में स्वागत है। राजस्थान राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष गिरीश चौधरी पुणे पहुंचने पर राजस्थान वासियों ने उनका भव्य स्वागत किया। इसमें पुणे पहुंचने पर श्री चार भुजा मंदिर पर 36 गांव के लोगों ने माला वसाफा पहनाकर स्वागत किया। पुणे जनवा समाज के उपाध्यक्ष नंदू चौधरी, मोहन लाल चौधरी सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। पाली 28 जुलाई राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय डाबरा में बुधवार को जनप्रतिनिधि एवं शाला स्टाफ ने पौधारोपण कर संरक्षण का जिम्मा लिया। प्रधानाचार्य राजेश कुमार जैन ने बताया कि ग्राम पंचायत की ओर से भवन मरम्मत एवं रंग रोगन के विचार पौधारोपण जैसे पुनित कार्य का सहयोग रहा। जहाँ पौधारोपण में विद्यालय परिसर में फलदार छायादार वृक्ष लगाए गए।